क्या रहेगा बीसीसीआई का युवराज सिंह पर फैसला। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। युवराज सिंह जो हैं, उनके अब संन्यास की खबरें आने लग गई हैं और इसी संन्यास की खबरों के बीच जहां युवराज सिंह जो हैं बीसीसीआई पर अब उनका डिसीजन है भी कि क्या युवराज को संन्यास दे दिया जाएगा या फिर नहीं। इसी बीच आपसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार युवराज सिंह जो हैं संन्यास किस वजह से ले रहे हैं, और साथ ही बात कर लेते हैं आप सभी से कि आखिरकार वर्ल्ड कप 2019 में भी युवराज सिंह नहीं है। क्या यही कारण है युवराज सिंह के संन्यास लेने का या फिर कई और कारण भी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि युवराज सिंह के जिस तरीके से विश्व कप 2019 से पहले ही संन्यास की खबरें आने लग गई हैं उनसे फैंस खासा निराश हुए हैं। इसी बीच आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं कि आखिरकार क्या कुछ युवराज से जुड़ा इन दिनों वायरल हो रहा है। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि युवराज सिंह जल्द ही इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास से रिटायर हो सकते हैं। युवराज को इस साल के आईपीएल सीजन 12 में मुंबई इंडियंस के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं दिया। युवराज सिंह लिमिटेड ओवर क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अब ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का मन बना रहे हैं। तो वहीं आईसीसी स्वीकृत विदेशी T20 लीग में फ्रीलांस करियर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पंजाब के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को अगर बीसीसीआई अनुमति देती है तो युवराज सिंह एक अलग तरह से T20 लीग में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अब बता दें कि युवराज सिंह के भविष्य को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो कभी दोबारा भारतीय टीम का हिस्सा ना बन पाए। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि युवराज सिंह जल्द ही इंटरनेशनल और साथ ही फर्स्ट क्लास से रिटायर हो सकते हैं। वहीं आने वाले समय में वो G20 कनाडा, यूरो T20 स्लैम आयरलैंड और हॉलैंड में T20 लीग खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहां से ऑफर्स आ चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में इरफान पठान ने अपना नाम कैरिबियन प्रीमियर लीग में ड्राफ्ट किया था, लेकिन पठान एक एक्टिव फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जिन्होंने बीसीसीआई से अनुमति नहीं ली है। इसके बाद इरफान को ड्राफ्ट से नाम वापस लेना को कहा गया था। वहीं अगर युवराज की बात की जाए तो अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर भी हो जाते हैं तब भी T20 प्लेयर के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे। तो वहीं इस पर बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इसके लिए नियमों की जांच करनी होगी। बता दें हम सभी को कि युवराज को इस साल के आईपीएल सीजन 12 में मुंबई इंडियंस के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया गया। लेकिन अगर युवराज विदेशी लीग में खेलते हैं तो वो काफ़ी कमाल कर सकते हैं। बता दें आप सभी को, इससे पहले युवराज और जहीर भी दुबई के T10 लीग का हिस्सा रह चुके हैं। तो वहीं जिस तरीके से अब देखना ये होगा कि क्या युवराज सिंह पर फैसला होने वाला है बीसीसीआई का। इसी बीच ये बड़ा झटका जरूर दिया है विश्व कप 2019 से पहले युवराज सिंह ने, क्योंकि युवराज सिंह जैसे अहम खिलाड़ी को अभी भी भारतीय टीम में शामिल होने की गुंजाइश उनके फैंस लगा रहे थे। तो वहीं फैंस इस तरह की भी गुंजाइश लगा रहे थे कि भाई विश्व कप 2019 में युवराज सिंह खेल सकते हैं, लेकिन इसी बीच उनके संन्यास की खबरें आने लग गई हैं। तो वहीं युवराज सिंह संन्यास लेने के बावजूद टीम का हिस्सा रह सकते हैं। तो वहीं अब ये भी देखते हैं कि आखिरकार युवराज सिंह का संन्यास पक्का है या फिर कोई चांसेस हैं युवराज सिंह के आने के। क्या डिसीजन होगा बीसीसीआई का, ये तो देखना होगा। इसी बीच विश्व कप 2019 को लेकर काफी सारी परेशानियां भी सामने आ रही थी। एक तो सबसे बड़ी परेशानी नंबर 4 की, हालांकि नंबर 4 पर विजय और साथ ही साथ केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के नाम जरूर सामने आए थे, तो वहीं कहा ऐसा जा रहा है कि केएल राहुल जो है पूरे तरीके से नंबर 4 की पोजीशन पर परफेक्ट बैठते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अब विश्व कप 2019 से पहले जिस तरीके से युवराज के संन्यास लेने की खबर आई है उनसे फैंस काफ़ी हताश हुए हैं। साथ ही युवराज से जुड़ी और क्या क्या खबरें वायरल रहीं आपने जाना होगा इस रिपोर्ट के जरिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल
नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।